दोस्तों 2023 OnePlus क्या कर रहा है? They have pleasantly surprised me again. Yeah. OnePlus Open का बड़ा सा बॉक्स हमारे पास आ गया है. एंड एक बात कहूँ, मैं धीरे धीरे वो फैन मोड में जा रहा हूँ अब. जी हाँ, मैं OnePlus का बहुत बड़ा फैन था इन 2017, 18, 19 एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे वेंट डाउनहिल. लेकिन 2023 इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन. आपको पता चलेगा ये OnePlus Open जो है, ओपन करके मैं सब कुछ आपको जब बताऊंगा, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट अप फ्रंट फोन है, और जैसे ही आप हाथ में लेते हो ये फोल्डेबल फोन, इट doesn't फील लाइक अ फोल्डेबल. नॉर्मल कैंडी बार जो होता है वही है, क्योंकि लाइट है. आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब फोल्डेबल फोन होगा हाथ में तो थोड़ा हैवी होगा, बट नॉट दिस वन. वाओ, ऑलराइट. 80 वॉट का चार्जर आता है, एंड देन इसको हम निकालेंगे कैसे. ऑलराइट, यही है सब कुछ. लेट्स कीप दिस बॉक्स असाइड. सबसे पहले केस इज देयर, सेम मटेरियल की केस है, वेगन लेदर, सो दैट इज देयर. उसके बाद में बहुत सारा डॉक्यूमेंट स्टिकर्स भी है, सिम कार्ड टूल भी है, डॉक्यूमेंटेशन है. वेर इज द, हाँ ये है रेड क्लब कार्ड, ये आपका जो है वो भी मिलता है आपको. एंड देन फाइंड मोर बेनिफिट्स, नोट्स वगैरह सब है. सो लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जब आप लोगे तो जरूर पढ़िएगा इसे. एंड देन यू हैव यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, दैट्स अबाउट इट. चलिए रखते हैं साइड में. वैसे आपको बता दूं, ये जो था ये हम मीडिया के लिए बॉक्स था. आप जब बॉक्स लोगे तो OnePlus Open का बॉक्स ऐसे आएगा आपके लिए. यस, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट. वैसे इस फोल्डेबल का फील बहुत अलग है, ये थोड़ा वाइड है, और आगे की जो स्क्रीन है, अगर आप कंपेयर करते हो द अदर मोस्ट पॉपुलर फोल्डेबल फोन, देन दिस इज मोर यूजेबल, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही नैरो है. नॉट दिस वन, हाथ में लेते ही दोस्तों यू कैन फील दैट लाइटनेस. मैं बताऊं आपको, जनरली 250, 240, 250, 260 ग्राम्स होते हैं. आई थिंक दिस इज लाइटर, अराउंड 230 ग्राम्स. देखते हैं इसका वेट. Oh, 242 grams. I'm actually surprised. वैसे iPhone, अगर आप iPhone 14 Pro Max ले दे तो 240-241 grams था, उतना ही इसका weight है. हाथ में लेकिन light लगता है, even though that camera module बहुत बड़ा है आगे की तरफ है, you know, heaviness आगे होना चाहिए, but ऐसे नहीं, weight distribution अच्छा है. पीछे अगर देखोगे आप दोस्तों, vegan leather finish है, और case का भी जो finish है, that is also exactly the same. तो case डालने के बाद भी looks change नहीं होने वाले. And let's open it. Oh, I like that. Alert slider है उसके अंदर. Oh, this is nice. मतलब just the right amount of resistance मैं कहूँगा. This is very nice. एक हाथ से. Oh yeah, you can open with one hand. थोड़ा आपको, but ये fold है, flip नहीं है दोस्तों. You have to open it with two hands. But एक हाथ से खोल सकते हैं. Foldable के लिए वो test जरूरी है. You can. You actually can. सिर्फ आपको उल्टी तरफ से खोलना होगा. Yeah. Alright, ports and buttons की पास जाने वाला हूँ, लेकिन गिराना है मुझे ये फोन. Yes, ceramic guard आता है, और OnePlus का कहना है कि 20% stronger है as compared to जो आपका normal Gorilla Glass Victus होता है. So, और अंदर की तरफ दोस्तों UTG glass है, 3-layer coating है. UTG है नीचे, उसके ऊपर TPU है, उसके ऊपर anti-glare coating है. So, गिराएंगे, कुछ भी हो जाए. Let's do this. 1, 2, and नहीं नहीं नहीं. अच्छा, इधर स्क्रीन गार्ड आता है, निकालते हैं स्क्रीन गार्ड को. लवली 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 साउंड. एंड पीछे से कुछ होना तो नहीं चाहिए. लेट्स डू इट. दो 1, 2, 3 बैंस, दैट्स अ बैंस. ओके, ओएस का वो आवाज आ रहा है, एंड ऐसे भी गिराते हैं. आई एम गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी. 1, 2, and 3 दैट्स बैड, दैट्स सीरियसली बहुत जबरदस्त गिराया हुआ है. कुछ नहीं हुआ है फोन को. हिंज इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज इन प्लेस, फील्स एग्जैक्टली द सेम. अरे बास की आता है, पीछे से भी गिराने कह रहा है इसे. चलो गिराते हैं, और क्या अभी. 1, 2, and 3 या जेरी रिक के जैसे नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज इंटेंस ड्रॉप टेस्ट डेफिनेटली. मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो बड़ा होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बताने वाला, और इतनी सारी चीजें बताने के लिए पूछेगा मत. चलिए बाहर से देख लिया, नहीं बाहर से नहीं देखा. नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, यूएसबी टाइप सी है, अनदर स्पीकर ग्रिल है. राइट हैंड साइड में जी हाँ, पावर ऑन ऑफ बटन है, एंड वॉल्यूम रॉकर है. पावर ऑन ऑफ इज ऑल्सो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर. ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, देन यू हैव टू स्पीकर ग्रिल्स, एक्सीलेंट. एंड लेफ्ट हैंड साइड में ओ अलर्ट स्लाइडर. Look at that. Alert slider is back.
I love it. इधर आयर ब्लास्टर है, वन माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर एंड देन थर्ड माइक जो है वो इधर है कैमरा मॉड्यूल के इधर. सिम कार्ड ट्रे. वैसे एक बात बताऊं, एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों, 16 GB 512 GB का. सो डेडिकेटेड एसडी कार्ड नहीं होता इसमें. यू हैड ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट. आगे बढ़ने से पहले एक बताऊं, 2.5 साल के बाद वन प्लस का फोन पहली बार मेरा डेली ड्राइवर होने वाला है नेक्स्ट, एंड इट इज गोइंग टू बी वन प्लस ओपन. इट इज सो इम्प्रेसिव वंस यू ओपन इट. जब आप डिस्प्ले देखते हो, प्रोबेबली द बेस्ट डिस्प्ले सिर्फ फोल्ड पे ही नहीं, ऑन एनी फोन. जी हाँ, बाहर का जो डिस्प्ले है दोस्तों, दैट इज 6.31 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों. एंड आई विल टेल यू व्हाट, ये जो है ये 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक करता है जो कवर डिस्प्ले. अंदर का डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज तक जाता है, सो 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट आता है. डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, और दोस्तों बाहर का FHD प्लस नहीं 2K डिस्प्ले है, अंदर का भी 2K ही डिस्प्ले है. सो ग्रेट रेजोल्यूशन. और मैंने कहा था कि कवर डिस्प्ले इज मोर यूजफुल, क्यों? क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, जो नॉर्मल हमारे टॉल फोन्स का होता है, कैंडी बार फोन्स का. तो आगे से देखोगे इट इज एक्जेक्टली लाइक एनी अदर फोन. तो 100% चीजें आप इसी के ऊपर कर सकते हैं. और सोचिए 2K डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, क्या चाहिए? आई मीन यू कैन ऑब्वियसली प्ले गेम्स एंड मोर. और दोस्तों अगर अंदर का डिस्प्ले आप देखोगे, दैट इज 7.82 इंच का 2K डिस्प्ले एंड इट इज स्क्वायर, 1.07:1 एस्पेक्ट रेशियो, इट इज स्क्वायर डिस्प्ले. बट वाओ, ये डिस्प्ले है या मजाक है? आई मीन एक इशू मैंने देखा हुआ है फोल्डेबल फोन्स पे, ग्लेयर बहुत आते हैं. ये जो है इट इज लिटरली वो एंटी ग्लेयर कोटिंग जो है वो दिखता है. एंड ब्राइटनेस के मामले में बोथ दीज डिस्प्लेज आर एक्सट्रीमली ब्राइट. पीक ब्राइटनेस 2800 निट्स है दोस्तों, फ्रंट एंड बैक. आई मीन दिस इज द हाईएस्ट ब्राइटनेस ऑन एनी. और दोस्तों कैमरा में बताने वाला हूं, इसमें एक प्रो XDR नाम का फीचर आता है, उधर एग्जैक्टली मैं दिखाने वाला हूं वो क्या ब्राइट दिखता है डिस्प्ले. वैसे आपको बता दूं ये 10-bit डिस्प्ले है दोस्तों, एंड 1440 हर्ट्ज का आपको PWM डिमिंग आता है, तो आंखों को आपको बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगा अगर लो लाइट में आप देख रहे हो तो. डॉल्बी विजन आता है एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है. सो एवरीथिंग इज पैक्ड इन दिस डिस्प्ले, इसीलिए मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज, नॉट ओनली ऑन फोल्डेबल एनी फोन. एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो है ना ये बहुत सेटिस्फाइंग है. इट इज राइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. वैसे ये जो है ये नो गैप हिंज डिस्प्ले है. फोल्डेबल में पेपर टेस्ट करनी जरूरी है वेदर इट स्टेज और नॉट. नहीं रुकेगा शायद. ऑलराइट, लेट्स सी. It is no gap display, but weight iska zyada hone ki wajah se shayad it is not picking up. Let's see. No. So, उतना ज्यादा भी नहीं है, बट हाँ नो गैप डिस्प्ले, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर नहीं जाएंगे. वैसे ये IPX4 सर्टिफाइड है, X8 नहीं है, X4 है, तो थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस. वेलकम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 पे आता है. आई मीन वेट फॉर इट. 16 GB रैम LPDDR5X रैम टाइप है. UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है. 16512 GB है. 4805 mAh की बैटरी है एंड 67W चार्जिंग है. 80W की ब्रेक आती है बट 67W चार्जिंग. 0 to 100% इन 43 मिनट्स ओनली. सोचिए ऑन अ फोल्डेबल फोन. एंड एक बात कहूं, इरशाद और साजिद पिछले 5 और 6 दिन से इसे कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर रहे हैं. दे वर जंपिंग कि भाई क्या बैटरी इतनी ज्यादा कैसे, 6.5-7 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलता है. सो एक्सेलेंट बैटरी. याद रखिए दोस्तों, ये बड़ा डिस्प्ले होता है, जब आप बड़ा डिस्प्ले इस्तेमाल करते हो ज्यादा बैटरी जाती है, बट दिस वन विल लास्ट यू थ्रू द डे, नो प्रॉब्लम. 6.5 घंटे का उन्हें स्क्रीन ऑन टाइम मिला दोस्तों. एंड आई थिंक फॉर अ फोल्डेबल फोन दैट इज ग्रेट. इजीली आपको एक दिन बैटरी लाइफ मिलेगी, नो प्रॉब्लम. और एक बात कहूं, जो बाकी के फोल्ड्स है, सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है दूसरे फोल्ड्स में वो है स्लो चार्जिंग. नॉट विद दिस वन, फास्टेस्ट चार्जिंग फोल्डेबल फोन, 67W, 0 to 100% 43 मिनट्स. बट हाँ एक चीज है, और आई थिंक इट शुड हैव बीन देयर, वायरलेस चार्जिंग. जी हाँ, वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसमें. परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दोस्तों, आई मीन गेमिंग परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है. अगर मैं जेंशिन इंपैक्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, 57 FPS कंटिन्यूस, 57-58 FPS हमें कंटिन्यूअसली मिला. अगर मैं COD मोबाइल के बारे में बात करूं, 120 FPS मिलता है एंड BGMI में 90 FPS मिलता है, एंड दैट टू ऑन हाईएस्ट सेटिंग्स, मीडियम एंड अल्ट्रा सेटिंग्स. और न्यू स्टेट भी हमने खेल के देखा, उधर अल्ट्रा ग्राफिक्स में 90 FPS मिलता है. I mean, absolutely great. ये सिर्फ performance नहीं, on paper also highest scoring fold है ये दोस्तों. 1.5 million के ऊपर अंतुदु score आता है in version 10, which is excellent. And उसका reason भी है, along with processor, 16 GB की RAM भी आती है and 512 GB storage भी है. So excellent performance, absolutely no problem. लेकिन performance से भी ज़्यादा जो tuning की है OnePlus ने, I mean इतने सारे जो एक tablet के features होते हैं ना अलग-अलग, सब कुछ इसके अंदर है. Multitasking के लिए literally 3-3 windows आप open करके काम कर सकते हो. And
वर्क फ्लॉलेसली. बहुत बार कोशिश करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स यू नो ऑप्टिमाइज करने का, लेकिन बग ही होता है. वी डिड नॉट फाइंड अ सिंगल बग इन दिस वन. हाँ, नीचे टास्क बार वगैरह मिलता है. और ये देखिए, रिसेंट भी आप इधर से ही एक्सेस कर पाओगे. लुक एट दिस, ये देखिए ऐप ड्रॉवर इधर ही है. रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ किए हुए, जो ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है दोस्तों. आई मीन कूडोज टू OnePlus फॉर दैट. लव्ड यूजिंग द OS. जो इंटरैक्शन है, एंड इंटरैक्शन के बारे में बताऊं दोस्तों, हैप्टिक फीडबैक. ओह, इट इज जस्ट फन यूजिंग दिस फोन. और हाँ, अपडेट्स के मामले में भी दोस्तों, 4 years मेजर अपडेट. सो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको, 14, 15, 16, 17 तक मिलेगा, एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स. वैसे स्टाइलस का सपोर्ट है या नहीं, आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट. और हाँ दोस्तों, OnePlus के जो एप्स है, दे आर नेटिवली मेड फॉर टैबलेट. मतलब अगर आप कैलकुलेटर वगैरह खोलोगे या फिर फोटोज ऐप खोलोगे, एंड बिग स्क्रीन के लिए बहुत अच्छी तरह से ट्यून्ड है. सो यहाँ ग्रेट. वैसे 16 GB फिजिकल रैम है दोस्तों, एंड ऊपर से 12 GB वर्चुअल रैम भी आती है. तो कितने हो गए, 28 GB का फोन हो गया ये, 28 GB रैम. ऑलराइट, मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया बताऊंगा नहीं दोस्तों, सुनाऊंगा मैं आपको. जी, इरशाद ने कहा कि सुना के दिखाओ द डिफरेंस. ये मेरा आईफोन 15 प्रो प्लस प्रो मैक्स है. आवाज सुनिए, सेम सॉन्ग मैं उसके ऊपर लगाने वाला हूँ. ऑलराइट, अभी मैं आपको OnePlus ओपन पे सुनाता हूँ दोस्तों. I can feel it. Absolutely crazy. मतलब डिस्प्ले जबरदस्त होने की वजह से वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस तो आपका जबरदस्त है, बट ऑडियो की क्वालिटी क्या है दोस्तों. 3 speakers हैं उसकी वजह से. यस, इट हैज गॉट 3 speakers, एंड स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है. सिर्फ हेडफोन्स में नहीं, जी हाँ, एक्चुअल स्पीकर्स गिव यू दैट स्पेशल ऑडियो एक्सपीरियंस. तो मल्टीमीडिया के लिए दिस इज द बेस्ट फोन, देयर इज नो क्वेश्चन. मतलब बेस्ट डिस्प्ले एंड बेस्ट ऑडियो इक्वल्स बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस. और दोस्तों, मल्टीमीडिया के लिए और चीज बताऊं, Netflix में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है. HDR 10 प्लस वगैरह वो सब तो है ही, बट डॉल्बी विजन में जो एंड दैट ऑडियो के साथ बहुत मजा आता है. आई मीन दिस इज आइडियल डिवाइस टू कंज्यूम मल्टीमीडिया. कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, IR ब्लास्टर है, 19 5G बैंड्स आते हैं. सो ग्लोबली सब जगह पे चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एवरीथिंग कनेक्टिविटी में टॉप नॉच. सेंसर सभी आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वो सब है. चलिए दोस्तों, अब कैमरा के बारे में बात करते हैं. डिस्प्ले जबरदस्त है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, स्पेसिफिकेशन जबरदस्त है, OS जबरदस्त है, अपडेट जबरदस्त है. कैमरा जबरदस्त है क्या, लेट्स फाइंड आउट. टोटल 5 cameras आते हैं दोस्तों. पीछे की तरफ रेयर सेटअप, ट्रिपल कैमरा सेटअप है. देन यू हैव 1 in the front राइट हियर, और फिर अंदर की तरफ आपको और एक सेंसर मिल जाए. तो टोटल 5 cameras है. अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, पीछे की तरफ आपको 48+64+48 ऐसे मिलता है. 64 megapixel का टेलीफोटो है, बेसिकली पेरिस्कोप कैमरा है. 48 megapixel का अल्ट्रा वाइड, और जो प्राइमरी सेंसर है 48 megapixel का लीडिया सीरीज का T808, ये सेंसर है. बेसिकली दे आर मेड फॉर फोल्डेबल्स, कम जगह लेता है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है. और कवर डिस्प्ले पर जो सेल्फी सेंसर है, दैट इज 32 megapixel, और अंदर जो मेन डिस्प्ले का है सेल्फी सेंसर, दैट इज 20 megapixel. और प्राइमरी सेंसर में OIS आता है. और अगर पेरिस्कोप के बारे में बात करूं, 3x ऑप्टिकल जूम है, एंड हाइब्रिड जूम कहूंगा 6x, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जूम करके 6x तक जाता है. ऑलराइट, फीचर्स भर भर के हैं, और मैं बात करने वाला हूं एट लेंथ. जूम में अगर एक्सट्रीम जाओगे आप, इट गोज अप टू 120x, लेकिन ऑब्वियसली 120x पे आउटपुट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट हां 120x तक जा सकते हो आप. और हैसलब्लैड का जो एक्सपैंड मोड वगैरह वो सब आता है इसके अंदर. और हां, 2 selfies है दोस्तों. पीछे के कैमरा भी आप एज अ सेल्फी इस्तेमाल कर पाओगे, दैट इज एक्सीलेंट. मतलब वाइड में बहुत सारे फोटोज निकाल पाओगे. इनफैक्ट बहुत सारे फोटोज अलग अलग कैमरा से अलग अलग कंडीशन में निकाले हुए हैं. सब जी ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. वीडियोग्राफी में 4K 60fps रेयर से निकाल पाओगे. आगे जो कवर डिस्प्ले पे है वो 4K 30fps. और एक बात, डॉल्बी विजन में आप वीडियो शूट कर पाओगे, दैट इज कैप्ड एट 4K 30fps, बट हां डॉल्बी विजन वीडियोस आप शूट कर पाओगे. सो हाई डायनामिक रेंज आपको मिलती है उसमें. और दोस्तों, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था प्रो XDR के बारे में. आई विल शो यू, आई मीन इस डिस्प्ले पे वो फोटो जब आप क्लिक करते हो और प्रो XDR पे दबाते हो, वाओ, आई मीन दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं, ये वाला नहीं, लेट मी हां ये बल्ब का लेता हूं. ओके, ये प्रो XDR मोड देखिए, इधर लिखा हुआ है, जस्ट सी द डिफरेंस. ये प्रो XDR के साथ है, ये ओरिजिनल फोटो है. अब मैं जूम करता हूं इसे, ये नॉर्मल फोटो आ गया प्रो XDR में. जब आप देखते हो, लुक एट दैट. तो जहां पे व्हाइट कलर है दोस्तों, इट जस्ट ब्राइटन्स अप. और इसका जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से वो प्रो XDR मोड आप इस्तेमाल कर पाओगे. दीज फोटोज लुक
रियली गुड। प्रो मोड है दोस्तों, आप लॉग में भी वीडियो शूट कर पाओगे। जी हाँ, एकदम प्रोफेशनली आपको शूट करना है वो सब चीजें आप कर पाओगे। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कैमरा कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे HDR जब आप शूट करते हो तो वो जो हेलो इफेक्ट आता है वो कभी कभी आपको वो दिखता है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये पहला फोल्ड है फ्रॉम वन प्लस एंड फॉर दैट आई विल से द कैमरा इज डेफिनेटली अबव एवरेज एंड आई एम होपिंग कि अपडेट के साथ, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है, स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, कैमरा विद अपडेट्स विल इंप्रूव। That's my hope. I have kept best for the last. जी हाँ, folds कितने होते हैं? Fold phone है, पहला phone है, पता है आपको कितना? 1 million, 10 lakh fold. हम 2 lakh के लिए अच्छा कहते हैं। अभी एक फोन आया था फ्लिप फोन जो 6 lakh करता था, ये 10 lakh folds तक सर्टिफाइड है, मतलब क्लेम करता है OnePlus की 10। I mean, what 10 lakh? मतलब आप 20 साल तक भी इस्तेमाल करो कुछ नहीं होगा। I mean, you don't need that, but I'm just saying, 10 lakh folds. That's a joke. और इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वाओ, दिस इज गोइंग टू बी माय डेली ड्राइवर। इसका फुल रिव्यू भी हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट एक बात कहूं, आई एम सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड इंप्रेस्ड विद OnePlus Open। जी हाँ, प्राइस के साथ मैं प्लेजेंटली सरप्राइज नहीं हूँ, 1,40,000 इसकी प्राइस आई हुई है। बट इवन एट 1,40,000 आई थिंक दिस इज वर्थ इट। दूसरे अगर आप फोल्ड्स के साथ कंपेयर करोगे, मेरे हिसाब से फॉर 16 GB रैम एंड 512 GB वर्जन फॉर 1,40,000 इट्स वर्थ इट। मतलब एक बार आप हाथ में लोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना एक्चुअली OnePlus Store में जाइए and experience this. Look at that display. आप खरीद के ही बाहर आओगे. Even at 1,40,000. Yeah, that's what OnePlus Open is for you. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.